अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मूसा हाफिज़ैद, बात की जाए कि कराची ब्लू रीजन जो है हार चुकी है, हुनैन शाह ने एक्सीलेंट स्पेल किया, एक्सीलेंट लास्ट ओवर किया। कराची ब्लू रीजन एक टाइम लग रहा था कि आराम से जीत जाएंगे, उसके पास थे असद शफीक, उमैर बिन यूसुफ, आजम खान जैसे प्लेयर्स हैं, तो आराम से जीतना चाहिए था। और लाहौर ब्लूज के पास हुनैन शाह है, कम इमरान भट्ट है, कोई सीनियर खास मुझे प्लेयर नज़र नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 30 गेंदों पे 35 रन। क्या होता है कि इतने अच्छे प्लेयर बॉलर्स भी नहीं है, और हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 10 रन रहे थे, शानदार यॉर्कर, शानदार डट बॉलिंग किया सारे बॉलर्स ने, और हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड किया। और उनके इमरान भट्ट ने 54 बनाए थे लाहौर के ब्लूज के, और उसके बाद इनके अदनान आलम ने बनाए हैं 45 रन, और हुसैन तलत ने भी 45 रन 31 बॉलों पर खेले। तो उसके लाहौरी जन के पास हुसैन तलत है, हुसैन तलत इस तरह के हुनैन शाह है, तो इन्होंने शानदार कमबैक किया, और अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग के साथ शानदार विक्ट्री हासिल किया। इस तरह के बड़े मज़े के मैच हो रहे हैं, कड़ाकेदार मैच हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मैच, इतने ज़्यादा रीजन है दिन ब दिन जो सुबह के होते हैं। ऐसे ऐसे फखर जमान ने पिछले मैच में शानदार इनिंग खेली और उन्होंने 45 रन बनाए, लेकिन वो टेलीकास्ट नहीं हुआ। इस तरह के मैचेस सारे टेलीकास्ट हों, प्रॉपर टीवी पे दिखाने चाहिए, सोशल मीडिया हर तरफ शेयर किए जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हवा बने, बहुत मज़े के मैच हो रहे हैं, क्रूशल मैचेस हो रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं जा रहे, अनफॉर्चुनेट। लेकिन कमाल की बॉलिंग किया इस लड़के ने, और लाहौर ब्लूज़ ने ग्रेट कमबैक किया। इस तरह का जो बॉलर्स या प्लेयर्स हैं नज़र में रखे, और इन लोगों को प्रॉपर चांस दिया जाए आगे, जो PSL है ना, कि उन लोगों को जो T10 खेलने चले गए, मैं जिनका बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे।